तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी निकल के आ रही है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और सभी कोई चाहते हैं कि ऐसे कोई ना कोई प्रोजेक्ट में काम करने का, ताकि आपकी सीवी जो है वो थोड़ी भारी भरकम हो सके। तो ऐसे प्रोजेक्ट में अगर आपको मौका मिलता है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और भी बहुत सारे डिजिग्नेशन के लिए यहाँ पे जॉब निकल के आ रही है। और यहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो जो सैलरी है वो 35,000 से लेके 90,000 तक के बीच में रह सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वाले सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल है वो लोग यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिएगा। और एक बात, यहाँ पे आपका कोई भी रिटर्न एग्जाम कुछ भी नहीं होना है, कोई एप्लीकेशन फीस भी आपका यहाँ पे लगना नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अगर सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच कर जाएंगे तो वहां से आपके पास इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्ट के लिए मेल वगैरह सब आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा और वहां पे जाके इंटरव्यू आप दे दोगे तो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकती है, अगर सब चीज सही रहा तो। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, मैं पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा, ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। और प्रॉपर तरीके से आप कहाँ से आपको अप्लाई करना है वो भी मैं ले जाकर आप लोग को दिखा दूंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करेंगे। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का। तो ये है गुजरात मेट्रो रेल का ऑफिशियल वेबसाइट। मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल लिंक, अप्लाई लिंक, वेबसाइट का लिंक, सभी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो, आपको यहाँ पे ऊपर में देखिए करियर्स लिखा हुआ मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, इसको कट कर दीजिएगा, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट्स इन प्रोजेक्ट्स एंड ONM सिविल विंग। ठीक है, ये न्यू आप देख पा रहे हो यहाँ पे। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के सामने आ जाएगा। मैंने पहले से खोल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट निकल के आ रहा है, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड है। और यहाँ पे सैलरी आपकी 50,000 से स्टार्ट होने वाली है और एज लिमिट जो यहाँ पे रखा गया है वो 32 इयर्स का रखा गया है। और अगर आप यहाँ पे ONM सिविल ट्रैक विंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिजिग्नेशन के पोस्ट हैं, जैसे आप देख सकते हो जॉइंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये हो गई एग्जीक्यूटिव पोस्ट, जहाँ पे आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 90,000 तक के बीच में रहने वाली है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 32 है, मैनेजर के लिए 40 इयर्स है, डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 45 है, जनरल मैनेजर के लिए 50 है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन हम लोग मिनिमम से मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा गया है उसको लेके बात करेंगे, जो कि है आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और सेक्शन सीनियर इंजीनियर, इसको लेके हम लोग बात करेंगे। और मेंटेनर जहाँ पे ITI वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सैलरी आप देख लेना, यहाँ पे मेंटेनर जहाँ पे ITI वाले एलिजिबल है, 20,000 से लेकर 6,500 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। मैक्सिमम एज आपका यहाँ पे 20 इयर्स होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर आप देख सकते हो यहाँ पे 33,000 से लेकर 1,00,000 रखा गया है, 28 इयर्स मैक्सिमम एज। असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर के लिए यहाँ पे 28 इयर्स मैक्सिमम एज, 35,000 से लेकर 1,10,000 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो 40,000 से लेकर 1,25,000, 30 इयर्स मैक्सिमम एज। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 46,000 से लेकर 1,45,000 मैक्सिमम एज, 30 इयर्स यहाँ पे रखा गया है। और जो एज के लिए जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो इस एडवर्टाइजमेंट को भरने का जो लास्ट डेट है वही डेट रखा गया है, आगे चल के मैं बता दूंगा आपको वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर देख लो, सीरियल कोड आप लोग ये याद रखिएगा, फॉर प्रोजेक्ट विंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए रोलिंग स्टॉक के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो आपका BE/BTEC होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन या मैकेनिकल आपका है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जॉब कोड सीरियल नंबर आप 2 देख लो यहाँ पे, सिग्नलिंग के लिए यहाँ भी सेम 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। सेम ऊपर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था BE/BTEC जिस भी डिसिप्लिन में, वही यहाँ पे रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर LNE में आप देख सकते हो
बीबीटेक आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांग लिया गया है, ठीक है। चलिए अब स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, फॉर ओ एन एम विंग की बात कर ले हम लोग यहाँ पे, तो जॉइंट जनरल मैनेजर के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसको लेकर बात नहीं करेंगे। डेप्टी जनरल मैनेजर की भी बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैनेजर की भी बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जो हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए, आप देख सकते हो सीरियल नंबर 04, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, बीबीटेक आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो आपका बीबीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 4 साल मांग लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन इंजीनियर की बात करें तो आपका बी बीटेक डिप्लोमा, तीनों ही यहाँ पे एलिजिबल हो सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर का, जहाँ पे डिप्लोमा वाले ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जूनियर इंजीनियर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो डिप्लोमा वाले ही सिर्फ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग लिया गया है। उसके बाद मेंटेनर की बात करें, जहाँ पे आईटीआई वाले एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके आपके फील्ड में मांग लिया गया है यहाँ पे, ठीक है। आपका मेंटेनेंस में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, ऐसे सिविल स्ट्रक्चर लाइक वायडक्ट, टनल, मेट्रो स्टेशन, डिपोर्ट, ये सब, ठीक है, देख लेना इसको एक बार आप लोग। उसके बाद चलिए जनरल कंडीशन की बात कर लेते हैं, तो ये आपका परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट है, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपका ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रहेगा, उसके बाद आपके परफॉर्मेंस पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। जो सैलरी आपको ऊपर मैंने बताई वो तो आपको मिलेगी ही, साथ में ऊपर से पर्सन बेनिफिट जो है कंपनी के वो अलग से आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आप देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 3 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर्स, यहाँ तक इसको एक्सटेंडेबल भी किया है, उस पर डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मत जाओ, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अप्लाई आप लोग यहाँ पे जरूर कीजिएगा। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से यहाँ पे अप्लाई करना है, और आपको 12 नवंबर से पहले यहाँ पे अप्लाई कर देना है, तो वेट नहीं करना है, आपको अप्लाई कर देना है जल्द से जल्द। टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन लोग को टाइम और डेट के बारे में बता दिया जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आई होप मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज क्लियर कर दिया है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जहाँ से आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड किया था वहीं पे आप देखना। अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड पे अप्लाई करना चाहते हो तो ऊपर में अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, या आप अगर जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर वो सब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई ऑफलाइन पोस्ट लिखा हुआ है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये सारा चीज़ यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि बहुत मैंडेटरी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। करने के बाद सारा करके आप यहाँ पे अप्लाई इजीली कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। आपको अपना रिज्यूमे, फोटो वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे अपलोड करना है, तो इसको प्रॉपर तरीके से आप देख लीजिएगा और जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ऑफिशियल लिंक, वेबसाइट का लिंक, अप्लाई लिंक सभी लिंक मिल जाएंगे। वीडियो का पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के, कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूँ, तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।